नेता जी, चुनाव खत्म हो गया है, मतदान समाप्त हो चुका है, क्या माहौल है अब? माहौल घोसी की जनता ने बता दिया है स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर उर्फ मंगरू चाचा को, घोसी की जनता और मौसम वैज्ञानिक दारा सिंह चौहान को बता दिया है घोसी की जनता। यह जनता घोसी की ये माननीय सुधाकर सिंह के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है। और आप लोग तो दिखाई दे रहे हैं और अन्य कोई नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे पूरी फौज है भैया, यहाँ इतनी है चाप पकौड़ी की दुकान, सारे लोग बैठ के मलाई काट रहे हैं। खुशी में जो जितने लोग आ रहे हैं घोसी विधानसभा से, चाहे जनपद का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, सबको मीठा खिला रहे हैं हम लोग। हाँ, वही जीत के खुशी में। और जो व्यक्ति हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सफाई भेजने वाला व्यक्ति, वो कल से देखिए, परसों से देखिए जो है कि वो जिला छोड़ करके भाग गया, दारा इंदारा से टिकट कटा करके जो है चले गए आजमगढ़, और पलटू जो है मंडुआ जी से टिकट कटा के चले गए बनारस। ये दोनों लोग भाग गए जिला छोड़ करके। क्यों भाग गए? क्यों नहीं भागेंगे भाई, जनता खोज रही है जूता लेके। जो कह रहे थे ना कि राजभर समाज पियक्कड़ हैं, पी करके 7 बजे उलट जाएंगे, तो 8 तारीख को देखिएगा ये मऊ में नज़र नहीं आएंगे लोग। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है कि वह निगरानी स्थल पर बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है, तो हम लोग इसलिए निगरानी करेंगे, कहीं अभी हमें चुरा लें लोग, ले निगरानी कर रहे हैं हम लोग। कौन लोग भैया हम चुरा लेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुरा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धरातल पर चलते हैं कार्यकर्ता, वो चोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो मौसम वैज्ञानिक दो लोग गए हैं, ये लोग चोर हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चोर नहीं है, मेरे दो मौसम वैज्ञानिक दोनों चोर हैं, ये अपने लोगों से कुछ भी करा सकते हैं। ईवीएम तो काफी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। अच्छा है, बताइए जो है 22 में सबसे पहले मंगरू का लड़का जो है शिवपुर से विधानसभा से हल्ला किया कि मैजिक में जो है ईवीएम लाद करके जा रही है, सबसे पहले तो ही ना हल्ला किया, तो 22 में वो हम लोग को संदेश दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोर बनाया भी, तो हम लोग को भी शक है कि कहीं ना कहीं ईवीएम चोरा देंगे लोग, बदल देंगे। अच्छा, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप? पूरे जब तक पूरा मतगणना हो नहीं जाएगा तब तक सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी या समाजवादी पार्टी के एक एक नेता यहीं अड्डा गाड़ करके बैठेंगे। कैसे आप लोग खाना पीना कहाँ खाएंगे यहाँ? खाना पीना का कमी है, वो भी समाजवादी लोगों को। अच्छा। जो समाज का सेवा करते हैं उनको खाने की दिक्कत है, किसी गांव में बोल दिया जाएगा वहाँ से हजारों हजार ड्रम भर करके चलाएगा भोजन यहाँ। अच्छा। तब क्या, समाजवादी नाम ऐसे नहीं रखा गया भैया, समाज का सेवा करते हैं लोग, इसलिए समाजवादी पार्टी रखा गया है। वैसे बैठे रहेंगे मतगणना? बिल्कुल बैठेंगे, हमारा तो घर है यहाँ, हम लोग तो 24 घंटा दीवाने कचहरी तहसील पर रहते हैं, तो हम लोग कौन सा दिक्कत है, दिया जाए चाहे घर पर है, दोनों बात बराबर है। और किसी को डर नहीं है जो आपके विपक्षी हैं? उनको डर तो है, हार की डर है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं, हम लोग को डर नहीं है, मगर उनको डर है, और डर के मारे जो है ये जिला छोड़ करके भाग गए हैं लोग। वो लोग नहीं आए निगरानी स्थल पे? एक भी आदमी पता करिए उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, उनको इतनी हादास हो गई है, डर हो गई है कि वो लोग छोड़ करके भाग गए यहाँ से। पता चलेगा कि वो मतगणना भी कराने नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि पूरा जो साइकिले भरल बा, कहीं एक्का दुक्का उनका बहनी गल हो गए कोनो बूथ पर, मगर खाली साइकिले भरल बा, जान लीजिए, अब खुलेगा तो सामने देखिएगा।